वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ अमिका। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करने वाले लेबर रूम की वो छोटी छोटी बातें। लेबर रूम में क्या होता है, लेबर रूम में एक लेडी जब डिलीवरी के लिए जाती है उनके साथ क्या होता है, वो छोटी छोटी सीक्रेट बातें आज हम शेयर करने वाले हैं। यही मेरा प्रोफेशन, यही मेरा काम है एंड यही काम मैं करती हूँ। अगर मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एंड उससे आपका थोड़ा हेल्प हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी हो। सबसे पहले आपको ये ऑब्जॉर्व करना है, आपको जो पेन आ रहा है ना, कहीं वो फॉल्स पेन तो नहीं है। फॉल्स पेन में क्या होता है ना, जो पेन होता है आपका, आप रेस्ट करते हैं नहीं तो आप टहलते हैं तो वो रुक जाता है, वो पेन कंटिन्यू नहीं रहता है। लेकिन ट्रू लेबर पेन में ऐसा नहीं होता है। ट्रू लेबर पेन में आपको हर 10 मिनट पे 10 सेकेंड का पेन आता है। मतलब आपको कैसे ऑब्जर्व करना है, आपको वॉच करना है कि आपको हर मीन सपोज ऐसा नहीं कि 10 मिनट पे ही आएगा, 5 मिनट पे आपको 2 सेकंड के लिए पेन आएगा, लेकिन आपका पेन जो कंटिन्यू रहता है वो बंद नहीं होता। आप रेस्ट करते हो, चलते फिरते हो तो भी आपका वो पेन रुकता नहीं है, कंटिन्यू वो पेन रहता है। तो आप समझिएगा कि आपको जो पेन आ रहा है वो ट्रू लेबर पेन। तो ऐसे आपको ऑब्जॉर्व करना है, जो आपका पेन है वो फॉल्स नहीं, ट्रू लेबर पेन है। ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना है। तुरंत आपकी जो गायनी के पास आपका ट्रीटमेंट चालू रहता है ना, उनके पास जाना है, जाके आपको दिखाना है। आप लेबर पेन में हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी फीवी करते हैं। फीवी मतलब डॉक्टर उनके हाथ में हैंड ग्लोव पहन के अपने फिंगर के थ्रू आपकी बच्चादानी का मुंह कितना खुला है, यानी कि आपके सर्विक्स का मुंह कितना खुला है वो चेक करते हैं। फीवी करने के टाइम अगर आपका बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, यानी कि 2 सेंटीमीटर या कि 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 फिंगर रहता है, तो डॉक्टर आपको एडमिशन के लिए सलाह देते हैं। एडमिशन के प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपको जो फॉर्म वगैरह रहता है एडमिशन का फॉर्म, वो सब कंप्लीट करना पड़ता है, वो सब भरना पड़ता है। उसके बाद आपको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद आपने जो ज्वेलरी पहना है उसको निकालने के लिए बोलते हैं। तो आप जब भी डिलीवरी के लिए यानी कि जो लेबर पेन में हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपनी जो भी ज्वेलरी वगैरह जो पहनते हैं ना उसको उतार के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सब निकालने के लिए बोला जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल यानी मैटरनिटी का जो ड्रेस रहता है, जो गाउन रहता है, वो चेंज करने के लिए देते हैं। उसके साथ साथ आपको ये पूछा जाता है कि आपने अपने प्राइवेट पार्ट की हेयर को रिमूव किया है। अगर आपने नहीं किया रहता है तो वहाँ पे उसको प्राइवेट पार्ट की हेयर को रिमूव करते हैं। उसके बाद आपके हाथ के नस में एक छोटा सा सुई लगाते हैं, जिसको कि वेनफ्लो यानी कि IV कैनूला बोला जाता है, वो लगा के वेनफ्लो लगाने के बाद यानी कि जो सुई होता है, सुई लगाने के बाद आपके हाथ में एक ग्लूकोज यानी कि IV फ्लूड अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद आपकी पेन बढ़ने के लिए आर्टिफिशियल इंजेक्शन, जिसको कि हम ऑक्सीटोसिन यानी कि पिटोसिन बोलते हैं, उसको डालते हैं। पिटोसिन होता है यानी जो एम्पुल उस पर जो डालते हैं ना पिटोसिन के, उसको ऐसे सेट करके रखते हैं कि वो 1 मिनट पर सिर्फ 8 ड्रॉप गिरे। देन उसके बाद हर आधे घंटे में उसका 8-8 ड्रॉप बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि आपका पेन बढ़ता जाता है। आर्टिफिशियल पेन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन देते हैं यानी जो पिटोसिन देते हैं, उसके बाद आपको पेन बढ़ता जाता है एंड आपका जो सर्विक्स यानी बच्चादानी का जो मुंह होता है धीरे धीरे ओपन होने लगता है। जैसे कि आपका बच्चादानी का मुंह खुलता है यानी वो 7 सेंटीमीटर का हो जाता है। उसके बाद आपको एक इंजेक्शन देते हैं जो कि हम बोलते हैं एपिडोसिन, वो इंजेक्शन देते हैं, उससे आपका जो है जो सर्विक्स बच्चादानी का मुंह है वो पूरा ओपन हो जाता है। आपका जो सर्विक्स यानी बच्चादानी का मुंह खुल जाता है ना, तो आपको उसके बाद लेबर रूम में यानी जहाँ पे आपका डिलीवरी होना होता है ना, वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। लेबर रूम में आपके साथ सिस्टर, जो कि जिसको हम नर्स बोलते हैं, नर्स डिलीवरी के लिए आपकी गायनी और मावशी यानी जो दाई रहते हैं ना, वो रहते हैं। लेबर रूम में ना एक छोटा सा बेड रहता है, वहाँ पे आपको लिटा दिया जाता है। लिटा के ना आपके पैर को फोल्ड करके आपके हाथ में पकड़ के आपको पुश करने बोलते हैं, यानी कि आपके बच्चे को नीचे की तरफ पुश करने के लिए आपको बोला जाता है। वहाँ पे जो नर्स रहते हैं वो आपकी गर्दन को ऐसे पकड़ के ऊपर की तरफ पकड़ते हैं एंड आपको पुश करने के लिए बोलते हैं। आपको एक टिप देने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत काम आएगा। अगर आप लेबर रूम में जाते हैं एंड आपको अननेसेसरी पुश नहीं करना है, आपको कभी पुश करना है जब भी आपको पेन आता है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपको लाइक ऐसा बोलते हैं जब आपको लगेगा कि आपको पॉटी जैसा आ रहा होगा ना, तब भी आपको पुश करना है। नहीं तो आप ऐसे ही पुश करते रहेंगे देन आपको जब भी ट्रू लेबर पेन आएगा ना तो आप थक जाएंगे एंड आपको पुश करने के लिए नहीं होगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका पेन
बढ़ता है, यानी आपको जब भी जोर से पेन आता है एंड आपको लगता है कि आपको पोटी जैसा आ रहा है तो अभी आपको पुश करना है, उसके बाद आपको पुश नहीं करना है, आपको रुकना है। कभी आपको पेन आता है, अगर आपको पेन आपका बढ़ता जाता है तो आपको पुश करना, आपको क्या करना है, जब भी आपको जोर से पेन आता है तभी आपको पुश करना है, नहीं तो आपको अननेसेसरी पुश नहीं करना है, उससे आप थकेंगे नहीं। एंड अभी एंड जब भी आपको ज़रूरत रहेगा, जब भी आपको पेन पुश करने की ज़रूरत रहेगा उस टाइम आप पुश कर सकते हो। तो आपको लेबर रूम के जब भी आपको ट्रू लेबर पेन आता है तभी आपको पुश करना, चेतानी का मुंह पूरा खुल जाता है, यानी जो 10 सेंटीमीटर हो जाता है, 10 सेंटीमीटर में क्या होता है ना, डॉक्टर एक कट मारते हैं जो कि आपको सबको पता है चीरा लगाते हैं, वन साइड चीरा लगाते हैं, उससे उसके साथ साथ जो सिस्टर रहते हैं डॉक्टर के, जो असिस्टेंट रहते हैं यानी जो हेल्प करने के लिए रहते हैं ना, वो फंडल देते हैं। फंडल मीन्स क्या होता है, फंडल मीन्स आपकी जो बच्चे की जो ऊपर हिस्सा, मतलब आपके पेट की जो ऊपर हिस्सा है ना, जहाँ पे कि बच्चे का पैर रहता है ऊपर हिस्से को, उनको वो नीचे की तरफ से पुश करते हैं, मीन्स उसके आपकी 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 हेल्प करते हैं वो। जब भी आप पुश करते हैं ना तो वो सिस्टर होता है ना, वो भी आपकी मदद करते हैं, तो उससे आपका क्या होता है ना, आपके जो बच्चे हैं ना नीचे की तरफ आने लगता है। एंड आप सुने होंगे कि डॉक्टर कभी कभार वैक्यूम डिलीवरी करते हैं। वैक्यूम डिलीवरी मतलब क्या होता है, एक छोटा सा कप जैसा रहता है, प्लास्टिक का, अच्छी क्वालिटी प्लास्टिक का कप रहता है, मतलब उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। तो डॉक्टर बच्चे के सर में वैक्यूम लगाते मतलब कभी कभार बच्चे के सर नीचे आ जाते हैं, आप पुश नहीं कर पाते हैं, आप थक के सो जाते हैं, तो तभी आपको जो पेन आता है, लेबर पेन आता है ना, तो डॉक्टर वैक्यूम लगाते हैं, सिस्टर जो आपको फंडल देते हैं ना, तो दोनों की तरफ आपका सपोर्ट हो जाता है, वो ऊपर से पुश करते हैं एंड डॉक्टर बाहर से निकालते हैं ना, आपके पेन में जो आप पेन करते हैं तो आपके नीचे की तरफ नीचे की तरफ पुश करते हो, तो बच्चा इजीली बाहर आ जाता है। अभी आपको ये पता चल गया कि नॉर्मल में भी दो टाइप का डिलीवरी होता है, एक होता है वैक्यूम डिलीवरी और एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल में क्या होता है, आप खुद पुश करते हैं, आप बेबी को खुद पुश करके बाहर निकालते हैं। नॉर्मल में क्या होता है, आपकी जो सर होता है ना उसको बस नर्स पकड़ के रखते हैं एंड आप अगर अच्छे से पुश करते हैं ना तो आपको ना कि वैक्यूम की ज़रूरत पड़ता है, ना कि आपको सिस्टर की फंडल की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन कभी कभार पेशेंट पुश कर करके थक जाता है ना, तो तभी डॉक्टर और नर्स हेल्प करते हैं एंड वहाँ पे आपको वैक्यूम के थ्रू डिलीवरी करते हैं, फंडल एंड वैक्यूम के थ्रू डिलीवरी करते हैं ना, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं वैक्यूम डिलीवरी। वैक्यूम में भी बहुत अच्छा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्यूम में भी अच्छे से हो जाता है, जबकि आपको 3 सपोर्ट रह जाता है, ऊपर से आपको नर्स, आपकी जो नर्स रहता है वो फंडल देते हैं एंड सेकेंड रहता है आप खुद पुश करते हैं, थर्ड रहता है आपकी जो डॉक्टर रहता है वो वैक्यूम के थ्रू बच्चे को निकालते हैं, तो ऐसे में डिलीवरी हो जाता है। अभी मैं वैक्यूम के बारे में थोड़ा डिटेल बता देती हूँ, नहीं तो बहुत सारी लेडीज हो यहाँ पे वैक्यूम के नाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। वैक्यूम क्या होता है, एक कप जैसा रहता है, कप लगा रहता है जिसको कि आपकी बेबी के सर में लगाते हैं एंड वो एक पाइप जैसा लगा रहता है, वो कि सक्शन मशीन में अटैच रहता है, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। उसमें जस्ट कुछ नहीं होता है, बच्चे के सर में लगाते हैं, लगा के जस्ट डॉक्टर आराम से उसको धीरे धीरे निकाल के नीचे हल्के से बच्चे को निकाल के बाहर निकालते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो इजीली एंड वो सेफ तरीके से हो जाता है, वो आपकी गायनी ही करते हैं, जो भी आप गायनेकोलॉजिस्ट रहता है, जो कि आपकी डिलीवरी के लिए जो डॉक्टर रहता है ना वो ही करते हैं, तो उसके बारे में इतना कोई उसका साइड इफेक्ट यानी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। अभी दूसरी बात, आपकी बच्चा डिलीवरी हो जाता है, आपकी बच्चे का डिलीवर हो जाता है तो आपके बच्चे को जो आपके गायनी रहते हैं ना वो पीडियाट्रिशियन यानी जो बच्चे के डॉक्टर रहते हैं ना उनकी हाथ में दे देते हैं। देन उसके बाद वो जो भी प्रोसेस रहता है यानी बच्चे की कॉर्ड में कॉर्ड क्लैंप लगाते हैं, बच्चे की कॉर्ड को कट करते हैं, उसके बाद स्टमक वॉश एंड उसके बाद जो इंजेक्शन रहता है वो देते हैं, जो भी उनका प्रोसेस है वो कंप्लीट कर। बेबी डिलीवरी होने के बाद यानी कि जो आपकी बच्चे को गायनी आपके पीडियाट्रिशियन को देने के बाद, उसके बाद आपका क्या करते हैं, आपका जो प्लेसेंटा रहता है, बच्चा तो बाहर आ जाता है लेकिन प्लेसेंटा अंदर ही रहता है, तो आपकी गायनी प्लेसेंटा को खींच के मतलब इजीली आपको और एक छोटा सा पुश करने बोलते हैं, आप पुश करते हो ना तो आपका प्लेसेंटा है जो निकाल के, प्लेसेंटा को निकाल के आप गायनी बाहर रख देते हैं। प्लेसेंटा निकालने के बाद और एक इंजेक्शन आपको आईएम यानी कि आपकी कमर में देते हैं, जिसको कि हम मेथाजिन बोलते हैं, इंजेक्शन मेथाजिन आपकी गायनी आपकी कमर में देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है टाका लगाने का, यानी कि जो डिलीवरी के टाइम में जो कट यानी जो चीरा लगाया था ना उस पर टाका लगाना चालू करेंगे। टाका लगाने के टाइम में वहाँ पे लोकल यानी बेहोशी का इंजेक्शन देख के लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसे ही लगाते हैं। कोई कोई को ये मीथ होता है कि उस टाइम में बहुत पेन होता है, तो डियर उस टाइम में पेन नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बेहोशी का इंजेक्शन देख के टाका लगाया जाता है। और
एक बात बताती हूँ मैं आपको, जब भी आपको चीरा लगाते हैं यानी जो कट लगाते हैं ना डिलीवरी के टाइम पे, तभी भी आपको बेहोशी का इंजेक्शन दे के ही लगाते हैं, तभी आपको पता इसके लिए नहीं चलता है, पता इसके लिए नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी आपको डिलीवरी का पेन होता है। लेकिन तभी भी आपको जब भी कट लगाते हैं ना, तभी भी आपके गायनी वहाँ पे बेहोशी का इंजेक्शन यानी जो लोकल रहता है ना वो दे के ही लगाते हैं। लगाने के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो दाई यानी जो मावशी रहते हैं ना वो आपको स्पॉन्ज बाथ देते हैं। स्पॉन्ज बाथ क्या होता है? स्पॉन्ज बाथ मीन्स आपकी जो बॉडी में रहता है जहाँ जहाँ पे आपका ब्लड लगा रहता है, यानी डिलीवरी होता है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में ब्लड लगा ही रहेगा, तो ब्लड जहाँ पे रहता है उसको साफ करते हैं। देन उसके बाद एक पैड वगैरह लगाते हैं। पैड मीन्स आपकी जो डेली यूज करते वो पैड नहीं रहता, हॉस्पिटल में अलग पैड यूज करते हैं पर वो सैनिटरी पैड रहता है, वो अलग पैड रहता है, उसको पैड बांधते हैं। पैड बांध के आपकी कपड़ा चेंज करते हैं यानी आपकी जो नाइटी रहता है, जो गाउन पहने हुए थे ना उसको चेंज करते हैं। चेंज करके दूसरा गाउन डालते हैं। गाउन डाल के आपको ट्रॉली में चला के नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतना पेन हुआ है, आपको इतना ब्लड गया है, तो आपको बेहोश होने का, आपको चक्कर आने का बहुत चांसेस रहता है। तो वो आपको ट्रॉली में आपकी बेड में शिफ्ट होने के आधे घंटे बाद आपको आपकी बेबी को देते हैं, क्योंकि उससे पहले बच्चे को वार्मर में रखा जाता है एंड आपको फीडिंग करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि फीडिंग आपको करना चाहिए बिकॉज आपका नॉर्मल डिलीवरी है, तो आपको फीडिंग आपको बच्चे को करना चाहिए। देन उसके बाद आपको चाय बिस्किट खाने के लिए बोलते हैं। शिफ्ट होने के बाद आप बाथरूम वगैरह जाएंगे ना, तभी आपको हल्का हल्का पेन होना चालू हुआ, क्योंकि वहाँ पे लोकल का जो इफेक्ट होता है ना धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है, तो आपको हल्का हल्का पेन हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी आपकी गायनी आपको मेडिसिन एंड आपको ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं वहाँ पे लगाने के लिए, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये था मेरी नॉर्मल डिलीवरी का एक छोटा सा प्रोसेस कि क्या होता है हॉस्पिटल में, और छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताया, उससे आपको काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा। मेरी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है एंड जो जिसका भी फर्स्ट टाइम डिलीवरी होने वाला है उन लोग के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं आपको और एक सजेशन दूंगी, जब भी आपका डिलीवरी का पेन स्टार्ट होता है तभी आपको डरना नहीं है, आप एकदम शांत रहिए, एकदम अपने आपको संभालिए। तो ये सोचना है कि आप क्यों पेन से रहे, पेन के पीछे के कारण क्या है। अगर आपको रीजन सोचेंगे, क्योंकि आपको एक नन्हा सा मेहमान आपके घर में आने वाला है एंड आपको दुनिया की इतनी बड़ी खुशी मिलने वाला है, वो सब सोचेंगे ना तो आप अपने पेन को भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आपकी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जो वीडियो है वो लेके आऊँगी। एंड आपको कुछ सवाल रहता है एंड आपको कुछ पूछना रहता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं उसकी ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।